2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल एस्पिरेंट को नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए एलिजिबल कर दिया, जिसे पहले तक एनडीए एंट्री के लिए बस मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते थे। और ऐसा करने के साथ ही इंडिया उन कुछ चुनिंदा कंट्रियों में से एक हो गया है जहां पे लड़कियों को इस एज ग्रुप में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती हो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जब से नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किए हैं, तब से वुमेन कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा देखा गया है। फिलहाल एकेडमी में वुमेन कैंडिडेट्स के 3 बैचेस ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बैच में 19 वुमेन कैंडिडेट्स मौजूद हैं और ये जुलाई 2022 से अपनी ट्रेनिंग ले रही है, जिसके बाद आने वाले बैचेस की ट्रेनिंग एकेडमी में जनवरी 2023 और जुलाई 2023 से स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि हिस्टोरिक स्टेप के बाद एनडीए में क्या चेंजेस आए हैं। अकेडमी में रिपोर्ट करने के साथ ही कैडेट को 18 में से किसी एक स्क्वाड्रन का हिस्सा बना दिया जाता है, जो कि आने वाले 3 सालों के लिए उसका घर होगा। हर स्क्वाड्रन के डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, जिसको हर कैडेट फॉलो करता है। हर स्क्वाड्रन में डाइवर्स बैकग्राउंड से आए करीब 100-120 कैडेट्स मौजूद होते हैं। एनडीए में टोटल 5 बटालियंस और 18 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। हर स्क्वाड्रन का अपना निकनेम, कलर, फ्लैग और मैस्कॉट होता है। हर स्क्वाड्रन की अपनी बिल्डिंग होती है जहां पर उस स्क्वाड्रन के सभी कैडेट्स एक साथ रहते हैं, और इन बिल्डिंग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए स्क्वाड्रन के नाम का फर्स्ट लेटर बिल्डिंग पर मौजूद होता है, ताकि कोई भी देखकर बता सके कि ये बिल्डिंग किस स्क्वाड्रन की है। पहले इंडियन आर्मी प्लान कर रही थी कि गर्ल्स के लिए सेपरेट स्क्वाड्रन को अकेडमी में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसका नाम होना था सिरा। ये सेपरेट स्क्वाड्रन बिल्कुल वैसे ही काम करती जैसे फिलहाल ओटीए चेन्नई में गर्ल्स के लिए सेपरेट जोजिला फिलोहरा कंपनीज मौजूद है, पर फिलहाल इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया है और ये डिसाइड किया गया गर्ल्स को एनडीए के एग्जिस्टिंग 18 स्क्वाड्रन में ही डिवाइड किया जाएगा। इन लेडी कैडेट के लिए सेपरेट फैसिलिटीज भी अकेडमी और स्क्वाड्रन में मौजूद होगी। हर स्क्वाड्रन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मौजूद होता है। स्क्वाड्रन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एलिगेंटली फर्निश्ड एंटी रूम, बिलियर्ड्स रूम, टेबल टेनिस फैसिलिटीज मौजूद हैं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको लाइब्रेरी और बिल्ट इन एक्वेरियम भी मिल जाएगा। स्क्वाड्रन में सभी कैडेट्स को इंडिविजुअल रूम यानी कैबिन अलॉट किया जाता है, मतलब हर स्क्वाड्रन में अप्रॉक्स 120 कैबिन मौजूद हैं, जिन्हें हर फ्लोर वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अकेडमी में कैबिन अलॉटमेंट प्लान हर स्क्वाड्रन के सीनियर अपॉइंट द्वारा बनाया जाता है। कैडेट के कैबिन्स का डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली 110 स्क्वायर फीट होता है और ये फुली फर्निश होते हैं विद वेनेटियन ब्लाइंड्स, फ्रेंच विंडोज, बनिस्टर, राइटिंग टेबल्स विद बुक केसेस एंड कपबोर्ड्स कम चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। जूनियर टर्म के कैडेट्स के पास अपने कैबिन्स को लॉक करने की प्रिविलेज नहीं होती है। अगर किसी जूनियर टर्म कैडेट ने अपने रूम को अंदर से लॉक किया और अगर वो ऐसा करते पकड़ा गया तो उसको सीनियर द्वारा रगड़ा मिलना तय है। एनडीए में कैबिन्स को लॉक करने की प्रिविलेज बस सीनियर टर्म कैडेट्स को ही मिलती है। इसके अलावा कैडेट्स को अपने कैबिन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होता है, क्योंकि सीनियर टर्म के कैडेट्स फ्रीक्वेंटली कैबिन इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और अगर उन्हें आपके टेबल के नीचे से थोड़ी सी भी धूल मिल गई तो आप रगड़ा के लिए तैयार रहे। स्क्वाड्रन में ही जूनियर कैडेट्स अपने सीनियर से अकेडमी के तौर तरीके सीखते हैं और अब तो फर्स्ट बैच के गर्ल कैडेट्स भी सीनियर टर्म में आ गए हैं और वो अपने जूनियर को अकेडमी के तौर तरीके सिखा रही है। स्क्वाड्रन का हर एक कैडेट अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अकेडमी में होने वाली सभी एक्टिविटी में अपना बेस्ट दे, ताकि उसकी स्क्वाड्रन टीम एंड के टर्म में प्रेस्टिजियस इंटर स्क्वाड्रन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत सके। जो भी स्क्वाड्रन इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतता है वो स्क्वाड्रन नेक्स्ट टर्म के लिए चैंपियन या बेस्ट स्क्वाड्रन कहलाता है, और चैंपियन स्क्वाड्रन कहलाने के साथ ही उस स्क्वाड्रन के कैडेट्स को कई प्रिविलेजेस भी दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10-15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। ट्रेनिंग। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है और एकेडमी में मौजूद गर्ल्स कैडेट्स भी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है। दरअसल एनडीए की ट्रेनिंग ब्रांच में 6 ट्रेनिंग टीम्स आती है, जिसमें से 3 रिस्पेक्टिव सर्विस ट्रेनिंग टीम है, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग टीम, एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम एंड नेवल ट्रेनिंग टीम। इसके अलावा ट्रेनिंग ब्रांच के अंडर 3 और ट्रेनिंग टीम आती है, दैट इज जॉइंट ट्रेनिंग टीम, फिजिकल ट्रेनिंग टीम और इक्विटेशन ट्रेनिंग टीम।
हर एक ट्रेनिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेसिफिक एस्पेक्ट में कैडेट्स को ट्रेन करना। भले ही फ्यूचर में ये कैडेट्स डिफरेंट सर्विस में सर्व कर रहे होंगे, पर एनडीए में फर्स्ट टर्म से लेकर सिक्स टर्म के सभी कैडेट्स को ऐसे काफी सारी कॉमन ट्रेनिंग है जो ज्वाइंटली दी जाती है। नेशनल डिफेंस अकेडमी की 3 साल की ट्रेनिंग को 6 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। वही 5th and 6th term में ट्रेनिंग का मेजर पार्ट सर्विस स्पेसिफिक होता है। एनडीए में 3 साल की रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ ही कैडेट्स को अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी होती है, जिसमें कैडेट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगस्त 1973 में एनडीए एफिलेटेड हुआ विद प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और इसके बाद से एनडीए कैडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर साइंस और आर्ट्स में डिग्री दी जाती है फ्रॉम JNU। टाइम के साथ रिक्वायरमेंट्स में बदलाव आए, जिसके अकॉर्डिंग ही अकेडमी करिकुलम में चेंजेस किए गए और न्यू सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे अकेडमी में 1987 में BSc इन कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, वही 2016 में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने एनडीए में BTech इंट्रोड्यूस करने का अप्रूवल दे दिया था। आज एनडीए साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स कैडेट्स को ऑफर करता है, जिसमें एनडीए के नेवी विंग कैडेट्स के लिए BTech कंपलसरी है। वही एयरफोर्स विंग कैडेट्स को स्ट्रीम के अकॉर्डिंग BTech, BSc और BSc इन कंप्यूटर कोर्स ऑफर की जाती है, और आर्मी विंग के कैडेट्स को BSc, BSc इन कंप्यूटर और BA कोर्स ऑफर किए जाते हैं। किसी भी एकेडमी में कैंप्स कैडेट्स की ट्रेनिंग का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसलिए हर एक एकेडमी में डिफरेंट कोर्स और टर्म के अकॉर्डिंग कैडेट्स के लिए कैंप्स कंडक्ट किए जाते हैं, और फीमेल के इंडक्शन के बाद से वो भी इन कैंप्स में इक्वली पार्टिसिपेट करती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग में टोटल 3 कैंप्स करने होते हैं, दैट इज कैंप ग्रीनहॉर्न, कैंप रोवर्स जो 4th term कैडेट्स के लिए होता है, और कैंप टॉर्ना फॉर 6th term कैडेट्स। देखिए, वुमेन के इंडक्शन के बाद से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज एंड करिकुलम में एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, फीमेल कैडेट्स के इनकल्शन के चलते अकेडमी में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को रिवैम्प करने की जरूरत थी, जिसको किया भी गया है। अकोमोडेशन से लेकर ट्रेनिंग फैसिलिटीज तक सब जगह अथॉरिटीज द्वारा एफर्ट्स डाला गया है टू एंश्योर अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर ऑल कैडेट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। इसके अलावा हम फीमेल इंडक्शन के बाद एनडीए में क्रिएट होने वाले सोशियो कल्चरल डायनामिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि इस ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरनमेंट में कैसे कैडेट्स के बीच कैमराडरी और कोहेंशन इवॉल्व होती है। इंक्लूजन के चलते कल्चर में चेंज आते हुए आप देख सकेंगे, जहां पर एक तरफ जोक्स में ओपननेस कम होगी, वही दूसरी तरफ गर्ल्स के प्रेजेंस से कॉम्पिटिटिवनेस में एनहांसमेंट आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी हमारे चैनल पर नेशनल डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। एनडीए प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।